हे एवरीवन, प्रो कबड्डी सीजन 9 का ऑक्शन हो चुका है। कई सारे प्लेयर्स को मिली है नई टीम, कई प्लेयर्स अपनी पुरानी टीम में जा चुके हैं, लेकिन बहुत सारी टीम्स का पूरी तरह से रंग रूप बदल चुका है। तो आइए जान लेते हैं क्या है ये सारे नए टीम्स, क्या है उनकी स्टार्टिंग 7। इस वीडियो में हम ना सिर्फ सारे टीम्स की मोस्ट प्रोबेबल स्टार्टिंग 7 जानेंगे, बल्कि उसके साथ साथ हर एक टीम में कौन से प्लेयर है उसकी लिस्ट भी मैं आपको दूंगा। सो बिना किसी देरी के लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बंगाल वॉरियर्स के बारे में। बंगाल वॉरियर्स के सेंटर में होंगे ऊंचे कद के रेडर, बंगाल वॉरियर्स के कैप्टन मनिंदर सिंह। पिछले कुछ सीजन्स तक मनिंदर सिंह के ऊपर बंगाल वॉरियर्स बहुत ज्यादा डिपेंड हुआ करती थी, लेकिन मनिंदर सिंह के साथ रेडिंग में उनका साथ देने के लिए इस सीजन आ रहे हैं ऑलराउंडर दीपक निवास हुड्डा, और साथ में थर्ड रेडर का काम करेंगे श्रीकांत जाधव। ये तो हो गए रेडर्स की बात, चलिए अब बात कर लेते हैं डिफेंस की। डिफेंस में राइट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं आशीष सांगवान, और लेफ्ट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं ईरानियन डिफेंडर सुलेमान पहलवानी। एंड फाइनली बात करें कॉर्नर्स की, तो राइट कॉर्नर पे तो हमें दिखाई देंगे शुभम शिंदे, और लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देंगे गिरीश एर्नक। लेकिन ये लेफ्ट कॉर्नर की कहानी यही पे खत्म नहीं होती। बंगाल वॉरियर्स के पास लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने के लिए सुरेंदर नाडा भी है, अमित छेरन भी है, प्रवीण सतपाल भी है, एंड ऑफकोर्स साथ में गिरीश एर्नक भी है। चार प्लेयर्स है जो कि लेफ्ट कॉर्नर पर खेलते हैं। अब इससे मुझे प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि एक प्लेयर लेफ्ट कॉर्नर पे खेलेगा, बाकी तीनों को सब्स्टिट्यूशन में बैठना पड़ेगा, और गिरीश एर्नक, सुरेंदर नाडा, अमित छेरन ये कोई ऐसे वैसे डिफेंडर नहीं है, उन्होंने बहुत झंडे गाड़े हैं प्रो कबड्डी में, तो वो सब्स्टिट्यूशन में बैठ के एक तरह से उनका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, ऐसा हो जाएगा। बट कोई नहीं, टीम है तो है। इन सब के साथ साथ टीम में आकाश पिकल मुंडे और असलम साजा थाम्बी जैसे रेडर्स शामिल है, सक्तिवेल आर जैसे डिफेंडर है, मनोज गौड़ा, अजिंक्य खापरे, बालाजी डी, रोहित और विनोद कुमार जैसे ऑलराउंडर शामिल है, और साथ में प्रशांत कुमार, आर गुहान, सुयोग गायकर और वैभव गजरे जैसे प्लेयर्स पहली बार प्रो कबड्डी में डेब्यू करने जा रहे हैं बंगाल वॉरियर्स के साथ। यह है पूरी लिस्ट बंगाल वॉरियर्स के सारे प्लेयर्स की, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेंगलुरु बुल्स के बारे में। अब बेंगलुरु बुल्स का नाम लेते ही सबके मन में पवन कुमार सहरावत का नाम आता ही है। हाई फ्लायर पवन कुमार सहरावत को हमें रेड जर्सी में देखने की आदत सी हो गई थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस बार बेंगलुरु बुल्स के साथ पवन कुमार सहरावत नहीं है। जी हां, बेंगलुरु बुल्स से पवन कुमार सहरावत अब जा चुके हैं, वो किसी और टीम में है, लेकिन पवन कुमार सहरावत की कमी पूरी करने के लिए बेंगलुरु बुल्स में है विकास खंडोला, जो कि इस बार ऑक्शन के सेकंड मोस्ट कॉस्टली प्लेयर थे, और उनका साथ देंगे भरत और नीरज नरवाल। ये तो हो गए रेडर्स, चलिए बात कर लेते हैं डिफेंस की। डिफेंस में हमें फिर एक बार कवर्स पे सेम कॉम्बिनेशन दिखेगा, राइट कवर पे मयूर कदम और लेफ्ट कवर पे महेंद्र सिंह। उसी के साथ साथ कॉर्नर्स की बात करें तो लेफ्ट कॉर्नर पे भी हमें सेम डिफेंडर दिखने को मिलने वाला है, यानी सौरभ नांदर। लेकिन राइट कॉर्नर की कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट है, क्योंकि राइट कॉर्नर पर खेलने के लिए बेंगलुरु बुल्स के आए हैं दो नए चेहरे, रजनीश और यश हुड्डा। दोनों इसी सीजन प्रो कबड्डी में डेब्यू कर रहे हैं बेंगलुरु बुल्स के साथ, और सिंस ये उनका पहला सीजन है तो इन दोनों में से कोई भी खेल सकता है। और सिर्फ ये दो ही नहीं, अमन नाम के एक खिलाड़ी भी बेंगलुरु बुल्स के साथ इसी सीजन में प्रो कबड्डी में डेब्यू कर रहे हैं। उसी के साथ साथ टीम में मोरे जीबी, हरमनजीत सिंह, लाल मनोहर यादव और नागेश्वर थरू जैसे रेडर्स शामिल है, रोहित कुमार, विनोद एल नायक और सुधाकर कदम जैसे डिफेंडर्स शामिल है, और राहुल खातिक और सचिन नरवाल जैसे ऑलराउंडर्स भी शामिल है। यह है पूरी लिस्ट बेंगलुरु बुल्स के सारे प्लेयर्स की, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं दबंग दिल्ली के बारे में। दबंग दिल्ली का ये सीजन हो सकता है उनके लिए खतरे की घंटी हो, क्योंकि ऑक्शन में दबंग दिल्ली ने एक भी रेडर नहीं खरीदा है। जी हाँ, जो रेडर्स उन्होंने रिटेन किए थे और जो फ्रेंचाइजी नॉमिनेटेड रेडर्स थे, उतने ही रेडर्स है दबंग दिल्ली के पास। ऑक्शन में उन्होंने रेडर्स को नहीं खरीदा, लेकिन जो भी है तो खतरनाक ही, क्योंकि सेंटर में हमें दिखाई देने वाले हैं नवीन कुमार एक्सप्रेस, और उनका साथ देंगे विजय और आशु मलिक। इन तीनों का कितना अच्छा परफॉर्मेंस था लास्ट सीजन ये हम सब जानते हैं, स्पेशली नवीन कुमार का और विजय का। इन दोनों का कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था दबंग दिल्ली को जीत दिलाने में, ट्रॉफी दिलाने में। ये तो हो गए रेडर्स, चलिए बात कर लेते हैं डिफेंस की। डिफेंस में लेफ्ट कॉर्नर पर हमें फिर एक बार दिखने वाले हैं संदीप धुल। मैं फिर एक बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि संदीप धुल इससे पहले भी दबंग दिल्ली में खेल चुके हैं और अब वो वापस आ गए हैं। उसी के साथ साथ राइट कॉर्नर में हमें दिखाई देने वाले हैं अमित हुड्डा, अगेन एक और स्ट्रॉन्ग डिफेंडर है, तो कॉर्नर्स का कॉम्बिनेशन तो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। कवर्स की बात करें तो राइट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं विशाल, और लेफ्ट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं अनिल कुमार। इस सीजन दबंग दिल्ली में आशीष नरवाल, मंजीत, सूरज पवार और विजय जैसे चार प्लेयर्स अपना डेब्यू कर रहे हैं प्रो कबड्डी सीजन में। उसी के साथ साथ दीपक, कृष्ण, विनय, आकाश, एमडी अली, मोनू और रवि कुमार जैसे डिफेंडर्स दबंग दिल्ली में शामिल है, और राजा के और तेजस पाटिल जैसे ऑलराउंडर्स भी दबंग दिल्ली में शामिल है। यह है पूरी लिस्ट दबंग दिल्ली के सारे प्लेयर्स की, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात जायंट्स की। गुजरात जायंट्स ने एक प्लेयर को रिटेन करके उसके ऊपर भरोसा दिखाया था, यानी एचएस राकेश के ऊपर, और एचएस राकेश ही इस बार गुजरात जायंट्स के मेन रेडर होने वाले हैं। सेंटर में हमें दिखाई देने वाले हैं एचएस राकेश।
और वो अकेले नहीं होंगे, उनका साथ देने के लिए होंगे महेंद्र गणेश राजपूत और चंद्रन रंजीत। डिफेंस की अगर बात करें तो लेफ्ट कवर पे हमें दिखाई दे सकते हैं उज्जवल सिंह और राइट कवर पे हमें दिखाई दे सकते हैं कोरियन प्लेयर योंग चैंग को। लेकिन योंग चैंग को के पास प्रो कबड्डी का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, वो खेले बहुत सारे सीजन है लेकिन फिर भी उतना एक्सपीरियंस नहीं है उनके पास, इसलिए काफी हाई चांसेस है कि प्रो कबड्डी का सीजन शुरू होने से पहले गुजरात जायंट्स कोई और राइट कवर डिफेंडर ढूंढे योंग चैंग को की जगह खेलने के लिए। लेकिन फिलहाल तो ऐसा ही लग रहा है कि योंग चैंग को ही राइट कवर पे खेलेंगे। एंड फाइनली बात करें दो कॉर्नर्स की, तो राइट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं बलदेव सिंह और लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं संदीप खंडोला। अब लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने के लिए उनके पास रिंकू नरवाल भी शामिल है, लेकिन पिछले सीजन के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए मैं ये सब बता रहा हूं और आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। इस सब के साथ साथ टीम में गौरव चिकारा, प्रतीक दैया, सोहित, सोनू, सोनू सिंह, डोंग योनली, प्रदीप कुमार, पूर्ण सिंह और साविन जैसे रेडर्स शामिल है, कपिल, मनुज आरसी, सौरभ गोलिया और विनोद कुमार जैसे डिफेंडर्स शामिल है और रोहन सिंह, अक्रम शेख और शंकर बी गुडाई जैसे ऑलराउंडर्स भी शामिल है। ये है गुजरात जायंट्स के सारे प्लेयर्स की पूरी लिस्ट, अगर आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं हरियाणा स्टीलर्स के बारे में। हरियाणा स्टीलर्स में इस बार ना तो सुरेंदर नाडा है और ना ही विकास खंडोला है। विकास खंडोला की जगह आ गए हैं एक और ए कैटेगरी के रेडर मंजीत। मंजीत छिलर की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, वो रेडर मंजीत की बात कर रहा हूँ। सेंटर में हमें दिखाई देंगे मंजीत और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे, मीतू और नितिन रावल। ये तो हो गए रेडर्स, चलिए बात कर लेते हैं डिफेंस की। डिफेंस में सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड एंड सीनियर मोस्ट प्लेयर ऑफ प्रो कबड्डी जोगिंदर नरवाल इस टीम में शामिल है, जो कि लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देंगे और राइट कॉर्नर पे हमें दिखाई देंगे अंकित। और फाइनली बात करें कवर्स की, तो राइट कवर पे हमें दिखाई देंगे मोहित और लेफ्ट कवर पे हमें दिखाई देंगे जयदीप। इन सब के साथ साथ टीम में विनय, के प्रपंजन, लवप्रीत सिंह, मनीष गोलिया, मोहम्मद मकसूदलू, राकेश नरवाल और सुशील जैसे रेडर्स भी शामिल है। आई नो यहाँ पर राकेश नरवाल और के प्रपंजन का नाम देख के आप सोच ही रहे होंगे कि ये स्टार्टिंग सेवन में क्यों नहीं है। वेल, हो सकते हैं, लेकिन पिछले सीजन के परफॉर्मेंस को ध्यान में रखते हुए ये स्टार्टिंग सेवन बनाई गई है एंड आंकड़े कभी झूठ नहीं बोलते। उसी के साथ साथ टीम में हर्ष, मोनू, नवीन, सनी और आमिर हुसैन बस्तामी जैसे डिफेंडर्स भी शामिल है। ये है हरियाणा स्टीलर्स के सारे प्लेयर्स की लिस्ट, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं जयपुर पिंक पैंथर्स के बारे में। जयपुर पिंक पैंथर्स के सेंटर में हमें दिखाई देने वाले हैं वो प्लेयर्स जिसके ऊपर जयपुर ने भरोसा रख के उसे रिटेन किया है और उसका रिटेन होना बनता भी था। मैं बात कर रहा हूं अर्जुन देशवाल की। और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे, भवानी राजपूत और वी अजित कुमार, यू मुंबा के वी अजित कुमार, जो कि अब जयपुर पिंक पैंथर्स में आ चुके हैं। रेडिंग डिपार्टमेंट काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन अब बात करते हैं डिफेंस के बारे में। डिफेंस में राइट कवर पे हमें दिखाई दे सकते हैं सुनील कुमार और लेफ्ट कवर पे हमें दिखाई दे सकते हैं वसून को, जो कि एक कोरियन प्लेयर है। एंड फाइनली बात करें कॉर्नर्स की, तो राइट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं शाहुल कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पर खेलने के लिए जयपुर पिंक पैंथर्स लेकर आए हैं दो नए चेहरे प्रो कबड्डी में, अंकुश और आशीष। ये दोनों ही प्लेयर्स लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर्स हैं और इन दोनों में से कोई भी हो सकता है जो लेफ्ट कॉर्नर पर खेले। इन्हें हमने खेलते हुए नहीं देखा इसलिए अभी कह पाना मुश्किल है कि इन दोनों में से कौन खेलेगा, लेकिन ये तो श्योर है कि इन दोनों में से ही कोई खेलेगा। इन सब के साथ साथ टीम में और भी कई प्लेयर्स शामिल है, जैसे कि देवांग, नवनीत और नितिन पवार जैसे रेडर्स। उसी के साथ साथ अभिषेक केस, दीपक, लकी शर्मा, नितिन चंदेल और रेजा एम जैसे डिफेंडर्स और साथ ही में राहुल धनवाड़े जैसे ऑलराउंडर्स भी शामिल है। ये है जयपुर पिंक पैंथर्स के सारे प्लेयर्स की लिस्ट, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं पटना पायरेट्स के बारे में। मुझे ये बात काफी अच्छी लग रही है कि कई सारी टीम्स ने अपने रेडर्स पे काफी अच्छा भरोसा दिखाया है। पटना पायरेट्स ने भी अपने एक स्टार रेडर पे भरोसा दिखाया है, यानी सचिन तनवर पे। लास्ट सीजन सचिन तनवर बहुत ही ज्यादा अच्छा खेले थे पटना पायरेट्स की तरफ से और इस साल भी हमें सचिन तनवर पटना पायरेट्स में ही दिखाई देंगे। और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे, हरियाणा स्टीलर्स के रोहित गुलिया और साथ ही में होंगे मोनू। अब मोनू लास्ट सीजन तक एज एन ऑलराउंडर खेला करते थे लेकिन मोस्टली उनका मेन काम रेडिंग का था। उन्होंने लास्ट सीजन 31 रेड पॉइंट्स कमाए थे और 11 टैकल पॉइंट्स कमाए थे, लेकिन इस सीजन वो एज अ ऑलराउंडर नहीं, एज अ रेडर आ रहे हैं। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं अगेन नीरज कुमार और लेफ्ट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं साजिन चंद्रशेखर का कॉम्बो। एंड फाइनली बात करें कॉर्नर्स की, तो लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले इस टीम के सबसे खतरनाक डिफेंडर मोहम्मद रेजा शादलू। पिछले सीजन सब लोग इनके दीवाने बन गए थे और सब रेडर्स उनके पास जाने से डरने लगे थे और ये फिर एक बार हमें पटना में दिखाई देंगे। और राइट कॉर्नर पे हमें दिखाई देंगे सुनील। इन सब के साथ साथ टीम में अनुज कुमार, रंजीत विनायक, रोहित, आनंद तोमर, सुशील गोलिया और विश्वास एस जैसे रेडर्स शामिल है। मनीष, नवीन शर्मा, थियागु राजन, युवराज और शिवम चौधरी जैसे डिफेंडर्स शामिल है।
और साथ ही में अब्दुल इस्माम, डैनियल ओबडानी और सागर कुमार जैसे ऑलराउंडर्स भी शामिल है। ये है सारे प्लेयर्स जो पटना पायरेट्स की टीम में है। आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं पुनेरी पलटन की। अगर आपने ऑक्शन से पहले मेरा पुनेरी पलटन वाला शॉर्ट्स देखा होगा तो आपको पता होगा कि पुनेरी पलटन की टीम ऑक्शन से पहले सबसे ज्यादा बैलेंस टीम थी, क्योंकि उन्होंने अपने कई सारे स्टार प्लेयर्स को रिटेन कर लिया था। पुणे ने अपने दो स्टार रेडर्स को रिटेन किया था, असलम इनामदार और मोहित गोयत को। उन्हें जरूरत थी एक और स्टार रेडर की और वो उन्हें ऑक्शन के जरिए मिल गया, क्योंकि इस बार टीम में असलम इनामदार और मोहित गोयत के साथ साथ शामिल होने वाले हैं मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष। ये तीन रेडर्स की तिगड़ी क्या आग लगाने वाली है मैट पे, ट्रस्ट मी। डिफेंस की बात करें तो यहाँ पर पुणे के रिटेंशंस बहुत काम आने वाले हैं। उन्होंने अपने दोनों कवर्स को रिटेन किया था, अभिनेश नादराजन और संकेत सावन को, और साथ ही में उन्होंने अपने राइट कॉर्नर को भी रिटेन किया था, सोमवीर को। उन्हें जरूरत थी एक लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर की और वो लेफ्ट कॉर्नर डिफेंडर उन्हें मिला फजल अतराचली के रूप में। ये टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रही है और इस टीम के प्लेऑफ्स में क्वालिफाई होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, स्पेशली टीम में मोहम्मद इस्माइल नबी पक्ष और फजल अतराचली के आने के बाद। टीम में आदित्य शिंदे, आकाश शिंदे, पंकज मोहिते और शुभम शेड़के जैसे रेडर्स शामिल हैं। बादल सिंह, अलंकार पाटिल, बाला साहेब शाहजी यादव, डी महेंद्र प्रसाद और राकेश राम जैसे डिफेंडर्स शामिल हैं और गोविंद गुज्जर जैसे ऑलराउंडर भी शामिल हैं। ये है पूरी लिस्ट पुनेरी पलटन के सारे प्लेयर्स की। आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात करते हैं तमिल थलाइवास की। लास्ट सीजन मैंने थोड़ी सी मस्ती की थी, तमिल थलाइवास को आरसीबी बोल दिया था, तो तमिल थलाइवास ने वो दिल पे ले लिया और इस बार वो लेकर आए हैं प्रो कबड्डी का सबसे बड़ा रेडर। जी हाँ, क्योंकि इस बार पूरे 2,26,00,000 की कीमत पर तमिल थलाइवास लेकर आए हैं पवन कुमार सहरावत को अपनी टीम में। सेंटर में हमें दिखाई देंगे पवन कुमार सहरावत, जो कि बन चुके हैं प्रो कबड्डी के इतिहास के सबसे महंगे रेडर और सबसे पहले रेडर जिन्होंने 2 करोड़ का मार्क क्रॉस किया। पवन कुमार सहरावत का साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे, अजिंक्य पवार और हिमांशु। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं एम अभिषेक और लेफ्ट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं मोहित। और फाइनली दो कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं सागर और लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं अगेन एक और हिमांशु। इसी के साथ साथ टीम में एक तीसरे हिमांशु भी शामिल है जो कि एक रेडर है। जतिन और नरेंद्र नामक रेडर भी इस टीम में शामिल है और साथ ही में आशीष, साहिल, अंकित, अर्पित सरोहा और आरिफ आर जैसे डिफेंडर्स शामिल है। के अभिमन्यु, धनुषन लक्ष्मण मोहन और विश्वनाथ वी जैसे ऑलराउंडर्स भी शामिल है। ये है पूरी तमिल थलाइवास के सारे प्लेयर्स की लिस्ट। अगर आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तेलुगु टाइटंस के बारे में। सभी 12 टीम्स में तेलुगु टाइटंस की इकलौती ऐसी टीम है जिस पर रिसर्च करने में मुझे ज्यादा मेहनत नहीं लगी, क्योंकि इतने बड़े बड़े नाम है तेलुगु टाइटंस में कि उनका नाम सुनते ही मेरे दिमाग में उनके सारे स्टैट्स आ जाते हैं। तेलुगु टाइटंस के सेंटर में हमें दिखाई देने वाले हैं द बाहुबली सिद्धार्थ देसाई और उनका साथ देते हुए एक और रेडर होंगे उनके पुराने दोस्त अभिषेक सिंह। अभिषेक सिंह और सिद्धार्थ देसाई को हम साथ में खेलते हुए देख चुके हैं यू मुंबा में और इस बार वो फिर एक बार एक साथ आ गए हैं तेलुगु टाइटंस की टीम में। और थर्ड रेडर का काम करने वाले हैं मोनू गोयत। और तो और सिर्फ इतना ही नहीं, उनके पास अंकित बेनीवाल भी है, लेकिन अगेन 7 लोगों में 3 ही रेडर्स होते हैं तो अंकित बेनीवाल को शायद बेंच पे बैठना पड़े, लेकिन बैकअप रेडर भी उनका इतना स्ट्रांग है। बात करें डिफेंस की तो डिफेंस तो मतलब छप्पर फाड़ डिफेंस है। राइट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं सुरजीत सिंह और लेफ्ट कवर पे दिखाई देने वाले हैं परवेश भैसवाल। कवर्स पे देखो कितने तगड़े डिफेंडर्स हैं और कॉर्नर्स की बात तो अब तक हमने की ही नहीं है, क्योंकि राइट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं रविंदर पहल द हॉक, सीजन 2 के बेस्ट डिफेंडर। पहली बार हमें तेलुगु टाइटंस की जर्सी में नजर आने वाले हैं। और लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं विशाल भरतवाज, जो कि वापस आ गए हैं तेलुगु टाइटंस में। पिछले सीजन पुनेरी पलटन में चले गए थे लेकिन उससे पहले वो तेलुगु में थे, तो अब फिर एक बार वो तेलुगु टाइटंस में आ चुके हैं। ये टीम बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग लग रही है। हर साल मैं एक टीम के ऊपर शर्त लगाता हूँ। लास्ट ईयर मैंने कहा था दबंग दिल्ली बहुत स्ट्रांग है, वो फाइनल में पहुंचेगी, वो फाइनल में पहुंची, मेरा अनुमान एकदम सही था। इस बार मैं बेट कर रहा हूँ तेलुगु टाइटंस पे। कितनी स्ट्रांग टीम है ये, और इस बार की भी मेरी बेट एकदम कॉन्फिडेंट है। लास्ट टाइम मैं दबंग दिल्ली वाली बेट जीत गया था, इस बार भी जीतूंगा। इस बार अगर तेलुगु टाइटंस फाइनल में नहीं पहुंची ना, मैं मेरे पैरों के जो बाल है उन्हें वैक्स कर दूंगा, इतना कॉन्फिडेंट हूं मैं। कितने स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स है तेलुगु टाइटंस में। इस सब के साथ साथ टीम में रजनीश, विनय और अमन कादियान जैसे रेडर्स शामिल है। मोहित, मोहित पहल, मोहम्मद शियास, नितिन, पल्ला रामकृष्णा, प्रिंस, आदर्श टी और विजय कुमार जैसे डिफेंडर्स शामिल है और हामिद एमनादर, के हनुमंत, मोहसिन मकसूदलू और रविंदर जैसे ऑलराउंडर्स भी शामिल है। ये है तेलुगु टाइटंस के सारे प्लेयर्स की लिस्ट। अगर आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यू मुंबा के बारे में। यू मुंबा के सेंटर में हमें दिखाई देने वाले हैं पूरे 1.2 करोड़ की कीमत पर गुमान सिंह।
गुमान सिंह और उनका साथ देते हुए और दो रेडर्स होंगे शिवम और आशीष। अब मुझे ऐसा बोलना नहीं चाहिए लेकिन ये मुझे कहीं से भी समझ में नहीं आ रहा है कि 1.2 करोड़ फॉर गुमान सिंह, आई मीन इतने सारे रेडर्स और भी तो थे। वेल, इसके बारे में हम डिटेल में यू मुंबा की टीम एनालिसिस वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल बात कर लेते हैं इस टीम के डिफेंस के बारे में। डिफेंस में लेफ्ट कवर पे फिर एक बार हमें दिखने वाले हैं हरेंद्र कुमार और राइट कवर पे हमें दिखाई देने वाले हैं सुरेंद्र सिंह। आपको याद ही होगा सुरेंद्र सिंह जिन्होंने यू मुंबा के साथ ही डेब्यू किया था और कितना अच्छा परफॉर्मेंस दिया था। उसके बाद वो तेलुगु टाइटंस में चले गए थे लेकिन इस सीजन फिर एक बार वो यू मुंबा में आ गए हैं। कवर्स का कॉम्बिनेशन बहुत ही ज्यादा अच्छा है। कॉर्नर्स की बात करें तो राइट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं रिंकू जिनका परफॉर्मेंस लास्ट सीजन बहुत ही गजब का था और ये बहुत अच्छी बात है कि इस सीजन भी रिंकू ही राइट कॉर्नर संभाल रहे हैं। और लेफ्ट कॉर्नर पे हमें दिखाई देने वाले हैं मोहित। इन सब के साथ साथ टीम में कमलेश, प्रणय राणे, रुपेश, सचिन, अंकुश, हैदर अली इकरामी और जय भगवान जैसे रेडर्स शामिल है। प्रिंस, राहुल, शिवांश ठाकुर, किरण मयूर और सत्यवान जैसे डिफेंडर्स शामिल है और गोलंबस के जैसे ऑलराउंडर्स भी शामिल है। ये है पूरी लिस्ट यू मुंबा के सारे प्लेयर्स की, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। विच फाइनली ब्रिंग्स अस टू आखिरी टीम यूपी योद्धास। यूपी योद्धास के सेंटर में फिर एक बार हमें दिखाई देने वाले हैं प्रदीप नरवाल। FPM के जरिए प्रदीप नरवाल को फिर एक बार यूपी योद्धास में बुलाया गया है और प्रदीप नरवाल का साथ देंगे उनके पुराने साथी सुरेंद्र गिल और थर्ड रेडर होंगे रोहित तोमर। अब माइंड रीड की टीम में नितिन तोमर भी शामिल है लेकिन ऑफ कोर्स उनके पिछले सीजन के परफॉर्मेंस को हम इग्नोर नहीं कर सकते। इस सीजन अगर वो कुछ गजब कर जाए तो हो सकता है कि उन्हें परमानेंटली स्टार्टिंग सेवन में जगह मिले, लेकिन फिलहाल के सिनारियो को देखकर ऐसा लग रहा है कि यहां पर रोहित तोमर दिखेंगे, नितिन तोमर नहीं। डिफेंस की बात करें तो राइट कवर पे होंगे आशु सिंह और लेफ्ट कवर पे होंगे शुभम कुमार। एंड फाइनली बात करें दो कॉर्नर्स की तो राइट कॉर्नर पे होंगे ऑफ कोर्स स्टार डिफेंडर नितेश कुमार और लेफ्ट कॉर्नर पे होंगे सुमित। इन सब के साथ साथ टीम में और कई प्लेयर्स शामिल हैं जैसे अमन, अनिल कुमार, दुर्गेश कुमार, महिपाल, गुलवीर सिंह, जेमसन और रतन के जैसे रेडर्स और उसी के साथ साथ शामिल है अबोजार मेगानी, बाबू मुर्गासन और जयदीप जैसे डिफेंडर्स और साथ ही में शामिल है नितिन पवार, गुरदीप और नेहल वसवाल जैसे ऑलराउंडर्स। ये है यूपी योद्धास के सारे प्लेयर्स की पूरी टीम, आप चाहो तो पॉज करके रीड कर सकते हो। सो ये थी सारी नई टीम्स इस प्रो कबड्डी सीजन 9 की। कई सारे नए चेहरे हमें इस बार प्रो कबड्डी में नजर आने वाले हैं। इसी के साथ साथ कई सारे नए कॉम्बिनेशन, कई सारी नई कहानियां, बहुत सारा एडवेंचर हमें देखने को मिलने वाला है। अब ये तो बस मैंने नई टीम्स के बारे में बताया, इसके आगे हम टीम एनालिसिस सीरीज भी करेंगे जिसमें मैं हर एक टीम का डिटेल में एनालिसिस करूंगा, जानने की कोशिश करेंगे कि कौन सी टीम की क्या पावर है, क्या वीकनेस है। बहुत सारा कॉन्टेंट आने वाला है इस चैनल पे, तो अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से सब्सक्राइब कर लो। प्रो कबड्डी सीजन 9 के ऑक्शन के रूल्स को समझने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए और प्रो कबड्डी सीजन 9 के ऑक्शन की मेरी लाइव स्ट्रीम को देखने के लिए यहां पर क्लिक कीजिए। मैं वेदांत वैद्य, मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। पहली बार ऐसा हुआ आधे घंटे का वीडियो रिकॉर्ड किया और पसीना नहीं आया। वाह, परिवर्तन भगवान।